Dear students, in present video I am going to discuss third short story, that is Face Showing, written by B.P. Sethi. इस कहानी में क्या बताया गया है कि एक करेक्टर है रहीम बीबी का और ऑथर का. तो कहता है कि रहीम बीबी जो होती है जो ऑथर के गांव आती है और ऑथर के गांव आने के बाद सब औरतें जो है उसको देखने के लिए जाती हैं और कुछ न कुछ तोहफे देती है. इसी तरीके से ऑथर जो है वो भी वहां पे जाता है लेकिन उसको वो अपना चेहरा नहीं दिखाती, उसको क्या बताती है कि मसानी दे दो यानी कि मुँह दिखाई का तोहफा दे दो, लेकिन वो उससे दिखाती नहीं है. फिर वो बड़ा करता है कि नहीं मुझे दिखा दो, फिर कहता है बीच में कि मैं माँ से लेकर आता हूँ मसीनी, तो आप मसानी तो आप मुझे वो चेहरा दिखा दीजिए, लेकिन वो नहीं कहती है, वो मानती नहीं है. रहीम बीबी उससे बोलती है कि जब आप अपनी कमाई के पैसे लाओगे, अपनी कमाई से तोहफा लाओगे, तब जाके जो है मैं घूंघट अपना उठाऊंगी चेहरे से, तो फिर आपका चेहरा अपना दिखाऊंगी. लेकिन ऐसे ही साल कुछ गुजरते गए, वक्त बीतता गया, ये बड़ा हो गया, नाइन्थ में पहुंचा तो ये दो तीन बार फेल होता है ऑथर. और उसके बाद क्या करता है, कहता है कि फिर जम्मू गया, श्रीनगर गया. तो ये सिलसिला जो है चलता रहा, लेकिन रहीम बीबी से जब जब भी मिला, जब जब ये वहाँ से जम्मू से श्रीनगर से वापस आया घर अपने गांव, तो ये क्या करने लगा, उसको मुंह दिखाई के देने के लिए या मुंह वेल अपना ऊपर उठाने के लिए कहने लगा, तो वो नहीं उठाने लगी क्योंकि वो उसके पास मशीनी अपनी जो है मसानी नहीं होती थी. तो इसलिए जो है वो क्या करता है, एक बार कहता है कि जब वो लास्ट बार कभी घर आता है तो बहुत सारा अरसा गुजरने के बाद उसने देखा कि रहीम बीबी जो है वो बीमार पड़ गई थी और उस वक़्त जो है वो अपने चारपाई पे पड़ी हुई थी और उसके चेहरे पे घूंघट नहीं था. जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने रहीम बीबी ने ऑथर को देखा और वो कहने लगी कि मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, अभी भी मैं आपके मशहानी यानी कि क्या इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अब मैंने आपके लिए ये चेहरा आज ये घूंघट जो है वो उठा लिया है. अब मुझे आपसे मसानी चाहिए. और मसानी किस किस्म के दोगे, क्योंकि अब मुझे तोहफा नहीं चाहिए बल्कि तोहफा मेरे लिए ये होगा कि आप मेरे साथ कब्रिस्तान तक आओगे और कब्रिस्तान पे मेरे मुंह पे तीन मुठियां जो है वो मिट्टी के दोगे, तो वही मैं आपसे कबूल कर लूँगी क्या एज अ मसानी. तो ये होता है आपका लेसन. इसी तरीके से अब आप देखोगे इसमें क्या कुछ होता है. तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला वाला पहरा है, ग्राफ है, कहता है वन द डे रहीम बीबी केम टू आवर विलेज एज द न्यूली वेडिड ब्राइड, ऑल द वुमेन ऑफ आवर हाउस वेंट टू सी हर. कहता है कि जब रहीम बीबी या जिस दिन रहीम बीबी हमारे गांव में एक नई दुल्हन बनकर आई, हमारे घर की सभी औरतें उसे देखने के लिए गई, ठीक है. उसके बाद ईच टुक विद हर समथिंग एज मसानी, हर एक औरत ने यानी हर एक ने अपने साथ मसानी के तौर पर कुछ न कुछ लेकर गए, ठीक है. हर एक जो है औरत क्या करके गई, कुछ न कुछ अपने साथ तोहफा या मसानी लेकर गई. फिर कहता है ए गिफ्ट ऑफ कस्टमरली गिवन टू सी द फेस ऑफ द ब्राइड. अब मसानी क्या होता है, मसानी एक तोहफा होता है जो रवाज के तौर पर दुल्हन का मुँह देखने के लिए दिया जाता है. माई मदर गेव हर ए पेयर ऑफ बैंगल्स, मेरी माँ ने उसके क्या दिया था, मेरी माँ ने उसे चूड़ियों की एक जोड़ी दी. फिर माई आंट गेव हर ए पेयर ऑफ एंकलेट्स, कहता है कि मेरी खाला या मेरी चाची ने क्या किया, उससे एक पायल की जोड़ी दी थी. फिर कहता है एंड माई एल्डर ब्रदर्स वाइफ गेव हर ए पेयर ऑफ स्मॉल सिल्वर टावरिंग्स, कहता और मेरी भाभी की दुल्हन ने या मेरे भाई की दुल्हन ने या मेरी भाभी ने क्या किया, ब्रदर्स वाइफ मेरी भाई की बीवी तो भाभी लगती है, तो उससे कहता है कि गिव हर, उसने उससे क्या दिया, चांदी की छोटी छोटी बिछियाँ जो पैरों की उंगलियों में पहनी जाती है वो एक उसकी एक जोड़ी दे दी. व्हेन दे रिटर्न्ड होम, जब वो वापस घर आते हैं, दे लेविस्ट सो मच प्रेज ऑन रहीम बेबीज ब्यूटी दैट इवन वी स्मॉल चिल्ड्रन देन वर टेम्पर्ड टू सी हर, ठीक है, सॉरी टेम्प्टेड टू सी हर. कहता है कि जब वो घर आई, जब वो औरतें घर लौट कर आई तो रहीम बीबी की खूबसूरती की इतनी भरपूर तारीफ की कि हम भी जो उस वक़्त छोटे छोटे बच्चे थे उससे देखने को ललचा उठे, ठीक है. अब देखो यहाँ से आगे बता रहा है, माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा व्हाट अ लवली ब्राइड, कहता है कि मेरी माँ ने कहा कितनी खूबसूरत दुल्हन है, शी लुक्स लाइक अ फाइनली चाइना, शी लुक लाइक अ फाइनली
यहाँ पे कह रहा है माई मदर सेड, कहता है कि मेरी माँ ने कहा कितनी खूबसूरत दुल्हन है, शी लुक लाइक फाइनली चिजल्ड मार्बल स्टैचू। कहता है कि मेरी माँ ने कहा वो तो संगमरमर की एक खूबसूरत मूर्ति लगती है। कहता है द आंट जॉइंड इन, और उस वक़्त जो है मेरी खाला ने भी या आंट ने भी कह दिया व्हाट आईज, कैसी आँखें, सो ब्लैक हैं, इतनी काली, एंड लस्ट्रियस कहता है चमकीली, बिसाइड्स और इसके अलावा द ब्राइड लुक्स फेयरली टॉल, और उसके अलावा दुल्हन काफ़ी लंबी भी लगती है। अब यहाँ से आगे बता रहा है माई सिस्टर इन लॉ हु वॉज अ बिट वैन सेड ओनली हर कम्प्लेक्शन इन फेयर, द फेस इज फुल ऑफ फ्रैंकल्स, एंड देन हाउ कैन यू नाउ वैन शी इज सिटिंग वेदर शी इजेंट लैम और शी इजेंट सम अदर डिफेक्ट। कहता है उसके बाद बता रहा मेरी भाभी जो थोड़ी घुमंडी थी बोल दी सिर्फ इसका रंग ही गोरा है, चेहरा तो बैंगनी रंग के दब्बों से भरा हुआ है, और फिर कैसे कोई जान सकता है जब वो बैठी हुई हो कि वो लंगड़ी है, लंगड़ी नहीं है या उसमें दूसरा कोई नुक्स नहीं है। बैठे बैठे हम किसी का नुक्स नहीं निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद बता रहा है इट वॉज माई मदर्स हु रिप्लाइड, कहता है ये मेरी माँ थी जिसने उससे जवाब दिया हु सेज शी इज लैम, कहता है किसने कहा कि वो लंगड़ी है। कहता है शी केम आउट फ्राम इन साइड द हाउस एंड हर गेंट्स वॉज परफेक्टली नॉर्मल। कहता है उसने कहा कि कौन कहता है वो लंगड़ी है, वो घर के अंदर से बाहर आई थी और उसकी चाल बिल्कुल आम लोगों जैसी थी। फिर कहता है द आंट एडिड, और चाची ने कहा या खाला ने कह दिया पर्पल स्पॉट्स ऑन अ फेयर फेस एड टू द चार्म, कहता है गोरे रंग पे जो बैंगनी दाग है वो खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। इस तरीके से आगे बता रहा है द सेंटेंस वॉज नॉट कम्प्लीटेड बाई माई एल्डर ब्रदर हु हैड कम इन टू द रूम। कहता है कि उस फिक्रे को मेरे बड़े भाई ने पूरा कर दिया जो कमरे के अंदर से बाहर आ गया था, और क्या किया, कहता है उसने कहा कि दैट इज़ ग्रीक ब्यूटी फॉर यू, कहता है तुम उससे यूनानी खूबसूरती कह सकते हो। कहता है द ऑर्नामेंट ऑफ सम रॉयल प्लेस हु आर यू टॉकिंग अबाउट, कहता है किसी शाही महल का गहना आप किसकी बात कर रहे हैं। अब कहता है मदर सेड, माँ ने कहा, क्या कहा, द वॉशरमैन हैव ब्रॉट द ब्राइड होम, उसने कहा कि धोबी दुल्हन को घर लाए हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इलमदीन्स ब्राइड, हम इलमदीन की बीवी की बात कर रहे थी। कहता है वी हैड गॉन टू हिज प्लेस टू गिव मसानी, कहता है कि हम उनके घर मसानी यानी मुंह दिखाई का तोहफा देने के लिए गई थी, और द ब्राइड इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड एज फेयर एज लाइट, दुल्हन बहुत ही खूबसूरत है और वो रोशनी की मानित गोरी है। फिर कहता है उसके बाद माई एल्डर ब्रदर्स वाइफ हैड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल आइज बट हर कम्प्लेशन वॉज अ बिट डार्क एंड शी वॉज शॉर्ट, शोइंग हर एनायंस शी वेंट इन साइड सेइंग आफ्टर ऑल शी इज़ ओनली अ वॉशरमैन्स ब्राइड नॉट अ ब्राह्मण और राजपूत्स ब्राइड। ठीक है, और उसके बाद मेरे बड़े भाई की बीवी की आंखें बहुत खूबसूरत थी, लेकिन क्या था, उसका रंग थोड़ा काला था और वो ठिगनी थी, मतलब कद में थोड़ी छोटी थी, ठिगनी थी, अपनी चिढ़ को जाहिर करते हुए वो कहती हुई अंदर चली गई, आखिर वो सिर्फ एक धोबी की दुल्हन तो है। ठीक है, आखिर वो सिर्फ एक धोबी की दुल्हन ही तो है, कोई ब्राह्मण या राजपूत की दुल्हन तो नहीं है। अब देखो यहाँ से आगे बता रहा है कहता है कि द आंट इमीडिएटली रिस्टॉर्ड, खाला ने फौरन मुंह तोड़ जवाब दे दिया। कहता है रिटॉर्टेड माई द आंट इमीडिएटली, जल्दी से उसने उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया, रिटॉर्टेड शी इज़ नो डाउट अ वॉशरमैन्स ब्राइड बट डोंट पीपल प्रेज ब्यूटी इवन इफ इन अ लवर कास्ट।
कहता है, बिलाशक वो एक धोबी की दुल्हन है, लेकिन क्या लोग किसी निचली जात वाली औरत की खूबसूरती की तारीफ भी नहीं करते। ठीक है, क्या निचली जात होने के मतलब उसकी वजह से कोई लोग क्या उनकी उसकी खूबसूरती की तारीफ नहीं करते। द सिस्टर इन लॉ रिट्रेस्ड हर स्टेप्स एंड शॉर्ट बैक, bring her sister फॉर यूर सन देन। ठीक है, द रिफरेंस वॉज ऑब्वियसली टू माई ब्रदर एंड येट शी हैड नॉट अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ग्रीक ब्यूटी। कहता है उसके बाद जो है क्या करता है, कहता है कि मेरी भाभी जो है उल्टे पाँव वापस आ गई और उससे कहता है तीखे लहजे में पटाख से जवाब दिया। क्या जवाब दिया, तो फिर इसकी बहन को अपने बेटे के लिए ले आओ। इशारा सिर्फ इस तौर पर या इशारा साफ तौर पर मेरे भाई की तरफ था, और वो फिर भी वो उस यूनानी खूबसूरती वाली बात का मतलब समझ नहीं पाई थी। कहता है क्योंकि उसने बताया था तुम किस, जब वो अंदर आया था तो उसने बताया था किस ग्रीक ब्यूटी की बात कर रहे हो, तो वो भी उसको नागवारा गुजरी थी, तो अब इसने बताया कि तुम उसकी सिस्टर अपनी बेटे के लिए लेकर आओ। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे आगे कहता है कि इलम दीन्स मदर वाज आल्सो आवर आंट, बट टू डिस्टिंग्विश हर फैमिली फ्रॉम आवर ओन आंट वी कॉल्ड हर वाशरवुमेन आंट। कहता है कि इलम दीन की माँ भी हमारी खाला थी, लेकिन हमारी अपनी खाला से उसको अलग बताने के लिए हमने उसे दोहबन खाला कहा करते हम उसे दोहबन खाला कहा करते थे, क्योंकि अपनी खाला थी लेकिन अब दो खाला समझने के लिए जो है हम उसको दोहबन खाला कहा करते थे। फिर कहता है सम टाइम्स व्हेन बोथ द आंट वुड बी सीटेड टुगेदर, कई बार जब दोनों खालाएं इकट्ठे बैठा होती थी तो हम लुत्फानंदोज़ होने के लिए क्या करते थे, बी सीटेड वी जस्ट कॉल्ड आंटी। कहता है लुत्फानंदोज़ होने के लिए या मजहिया अंदाज से उनको क्या सिर्फ खाला कह दिया करते। टू वॉच द फन द बोथ रिस्पोंडेड सिमल्टेनियसली। कहता है उससे क्या होता था कि फिर दोनों एक साथ बोल दिया करती थी। इट मेड अस ब्रस्ट इन टू लाफ्टर। और कहता है कि हम सिर्फ आंटी बताते थे तो वो दोनों क्या करती थी, वहाँ से रिप्लाई दिया करती थी और हम क्या करते थे उस पर बहुत ज़्यादा हंसा करते थे या कह के लगा कर हंस दिया करते थे। अब इसके बाद बता रहा है, कहता है फॉर थ्री आर फोर डेज द न्यू ब्राइड वॉज पैम्पर्ड। कहता है 3 या 4 दिन तक नई दुल्हन को बहुत लाड प्यार दिया गया, फिर बट इवेंचुअली शी हैड टू जॉइन इन द हाउस होल्ड कोर्स, लेकिन उसे घरेलू काम धंधों में शामिल होना पड़ा। वन डे द वाशर वुमेन आंट ब्रॉट हर डॉटर इन लॉ अलोंग विद हर टू फेच वाटर। कहता है एक दिन दोहबन खाला ने अपनी बहू को पानी लाने के लिए अपने साथ लाई। ठीक है, द डॉटर इन लॉ हैड अ वेल ओवर हर फेस राइट डाउन द थ्रॉट एंड द पीचर रेस्ट ऑन हर हेड एंड ए ब्रांड न्यू पीचर ऑन इट। कहता है और जब वो वहाँ पे उसने अपनी बहू को साथ लाया था तो कहता है कि बहू ने पूरा अपनी गर्दन तक घूंघट क्या डाला हुआ था, अपने सर के ऊपर एक अंडोरी यानी कि वो मिट्टी का बर्तन बना हुआ था उसके ऊपर एक बिल्कुल नई गागर रखे हुए थी। ठीक है, मतलब कि पीचर रेस्ट ऑन द हेड एंड ब्रांड न्यू पीचर ऑन इट। और कहता है कि और कुछ नया डिज़ाइन उसके ऊपर किया गया हुआ था जो बर्तन उसके सिर पे था। नेक्स्ट बता रहा है, कहता है द वेल वॉज नियर आवर हाउस। अब जिस कुएं से वो पानी ला रहे थे वो कुआं हमारे घर के नज़दीक था। पीपल फ्रॉम फार एंड नियर केम हियर टू फिल देयर वेसल्स। कहता है आसपास के लोग वहाँ अपने बर्तन भरने पानी भरने के लिए लाया करते थे। बिफोर गोइंग टू द वेल द टू वुमेन केम टू आवर हाउस एंड द मदर इन लॉ मेड द डॉटर इन लॉ टच द फीट ऑफ माई मदर माई आंट एंड माई सिस्टर इन लॉ। All the three ladies of our house blessed her, may you and your husband live to a ripe old age. But after they left, they raised
another ripple in our house. फिर कहता है कि उस आसपास के लोग जब वहाँ पे पानी भरने के लिए आया करते थे तो कुएं पर जाने से पहले वो दोनों औरतें यानी रहीम बीबी और उसकी सास वो दोनों हमारे घर आई और सास ने अपनी बहू से मेरी माँ खाला और भाभी के पैरों को छुआ. कहता है छुआया यानी कि उसने कहा कि इनके पैर छू लो. तो कहता है हमारे घर की तीनों औरतों ने उससे दुआ दी और दुआ क्या दी कि तुम्हारी और तुम्हारे खावत की बहुत लंबी उम्र हो. लेकिन इनके चले जाने के बाद हमारे घर में एक दूसरा वबाल खड़ा हो गया. बट दे लेफ्ट द रेज्ड अनदर रिपल इन आवर हाउस. एक और जो है वो क्या खड़ा हो गया हमारे घर में एक और दूसरा वबाल जो है वो खड़ा हो गया. अब उसके बाद बता रहा है कहता है कि द ब्राइड हैज सच अ लवली गेट लाइक दैट ऑफ अ पीकॉक डांसिंग. अब यहाँ पे बता रहा है कहता है कि दुल्हन की चाल कितनी प्यारी है मानो कि कोई मोर नाच रहा हो. अब आगे बता रहा है कहता है कि द मदर एंड आंट वर वेल मीनिंग वुमेन हु अप्रिशिएटेड अदर्स एंड ऑल्सो कंडेम्ड वेयर कंडेमनेशन वॉज कॉल्ड फॉर. बट माई सिस्टर्स इन लॉ वॉज यंग एंड डिड नॉट लाइक एनअर बींग प्रेज्ड. पीकॉक्स आर डार्क बट शी इज सो फेयर. प्रेजिंग हर लाइक दिस वुड अमाउंट टू सेइंग दैट अ स्वैन इज डांसिंग. कहता है माँ और खाला सीधी सादी औरतें थी जो दूसरों की तारीफ करती थी और नुक्ताचीनी भी नहीं करती थी. जहाँ नुक्ताचीनी की ज़रूरत होती वहाँ भी वो नुक्ताचीनी नहीं करती. लेकिन मेरी भाभी जवान थी और उससे पसंद नहीं था कि किसी दूसरे की तारीफ की जाए. और इसलिए उसने बोला मोर काले होते हैं लेकिन वो तो गोरी है. इस तरह उसकी तारीफ करने का मतलब ये कहना होगा कि एक हंस नाच रहा है. यानी कि मोर नहीं नाच रहा है एक हंस नाच रहा है. वो तो काली नहीं है वो तो सफ़ेद है और मोर तो काला होता है. ठीक है अब उसके बाद बता रहा है यहाँ पे कहता है कि कट टू द क्विक द आंट सेड. कहता है व्हाट डू वी लूज इफ वी कॉल ए पीकॉक वाइट. कहता है द सिस्टर्स इन लॉ केप्ट क्वाइट. आइदर शी कुड नॉट फाइंड अ सूटेबल रिप्लाई ऑन और शी डिड नॉट थिंक इट एक्सपेंडेड टू प्रोलॉन्ग द आर्ग्यूमेंट. अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है. कहता है कि भाभी खामोश रही या तो उससे कोई मुनासिब जवाब नहीं सूझा या फिर क्या उससे बहस को कोई और ज़्यादा खींचना बेवक़्त फ़ायदा लग रहा था. तो यहाँ से आगे बता रहा है कहता है कि बहुत द फॉलोइंग डे द टू वुमेन केम टू आवर हाउस अगेन on their way to the well and sat down on the little chat. कहता है कि अगले दिन वो दोनों औरतें कुएं को जाते हुए रास्ते में हमारे घर पे आई और थोड़ी देर बातचीत करने के लिए बैठ गई. कहता है the woman of our house inquired from the daughter-in-law about the location of her house in Sarunsar. ठीक है कहता है हमारी घर की औरतों ने बहू से पूछा कि सरूनसार में उसका घर कहाँ वाका है मतलब कि कहाँ से है वो उस गांव से. तो यहाँ पे जाके फिर आगे बता रहा है कहता है द मदर इन लॉ एडवाइज्ड हर यू सी द यंगर आंट इज कॉल्ड चाची एंड द एल्डर आंट इज कॉल्ड ताई. कहता है माई सन्स एड्रेस्ड देम लाइक दैट यू शुड ऑल्सो डू लाइक वाइज द एंड दिस इज भाभी माई एल्डर सन्स वाइफ हर हजबेंड्स एंड गुलाबदीन वेंट टू स्कूल टुगेदर. आई कॉल हर बाई हर फर्स्ट नेम बट यू शुड ऑलवेज एड्रेस हर भाभी. अब देखो यहाँ पे आगे क्या बता रहा है. उसकी सांस उससे नसीहत करती है. उसकी सांस रहीम बीबी की सास जो है सास क्या करती है उससे नसीहत करती है. तुम जानती हो यू सी
छोटी खाला को चाची कहा जाता है और बड़ी खाला को ताई कहा जाता है। मेरे बेटे इन्हें यही कहकर पुकारते हैं या बुलाते हैं, तुम्हें भी वैसा करना चाहिए। ये भाभी है मेरे बड़े बेटे की बीवी, इसका खामिद और गुलाबदीन इकट्ठे स्कूल जाया करते थे। मैं उससे हमेशा उसका नाम लेकर बुलाती हूँ, लेकिन तुम्हें हमेशा उससे भाभी कहकर बुलाना चाहिए। अब यहाँ से आगे बता रहा है, कहता है कि आफ्टर ए फ्यू डेज द मदर इन लॉ स्टॉप्ड कमिंग विद हर डॉटर इन लॉ। कहता कुछ दिनों के बाद सास ने बहू के साथ आना बंद कर दिया, क्योंकि अब उसको पता था कि अब वही करने वाली थी, तो जब तक सही नहीं था तो वह तब तक वो साथ आ रही थी। प्रोबेबली शी वॉज एंगेज्ड इन अदर डोमेस्टिक कॉज एट होम। कहता है शायद घर के दूसरे काम धंधों में वो मसरूफ हो गई थी। फिर कहता है रहीम बीबी केम टू द वेल ट्वाइस इन मॉर्निंग एंड वंस इन द इवनिंग। रहीम बीबी कुएं पर सुबह दो बार और शाम को एक बार आया करती थी। कहता है गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग वी वुड सी हर ऑन द वे। कहता हम सुबह स्कूल जाते वक्त उससे रास्ते में देखा करते थे। वन डे वाइल द अदर बॉयज हैड गॉन अहेड। कहता एक दिन जब दूसरे लड़के आगे निकल गए थे तो फिर क्या होता है, आई रिमेंड बिहाइंड और मैं पीछे रह गया था। आई सा हर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन और मैंने जब उससे अपने सामने की तरफ से आते हुए देखा तो शी हैड हर फेस कवर्ड एज यूजुअल। कहता उसने अपने चेहरे को पहले की तरह ही ढका हुआ था, यानी कि वो घूंघट रखा हुआ था। उसके बाद बता रहा है राइट डाउन टू द थ्रॉट, यानी पूरे गले तक गर्दन तक डाला हुआ था। एट ए लिटल हेजिटेटली आई सेड। कहता है थोड़ा झिझकते हुए हिचकिचाते हुए मैंने कहा, क्या रहीम बीबी यू कैन शो यूअर फेस टू मी, आई एम सो स्मॉल। कहता रहीम बीबी आप अपना चेहरा मुझे दिखा सकती है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, यानी कि मुझे दिखाने में तो आपको कोई शर्म नहीं है। लेकिन अब रहीम बीबी क्या बता रही है, कहती है रहीम बीबी केप्ट वॉकिंग। रहीम बीबी वो ये सुनकर तो नहीं रुकी, लेकिन चलते चलते उसने ये कहा कि बहू जी, कहता है बहू जी इफ़ यू वॉन्ट टू सी माई फेस, अगर आप मेरा चेहरा देखना चाहते हो तो यू विल हैव टू गिव मसानी, तुम्हें मुझको मसानी देनी होगी। ठीक है, यानी कि तुम्हें मसानी देनी पड़ेगी, तब जाके जो है मैं अपना चेहरा आपको दिखाऊंगी। मसानी आपको पता है अब कि मसानी किसको बोलते हैं, वो पहली बार जो है किसी का दुल्हन का तो वो देखते हैं, मुँह देखते हैं, तो मुँह दिखाई का तोहफा कह सकते हो। अब देखो आगे बता रहा है We were walking in different direction. हम मुख्तलिफ सिमत जा रहे थे। And before I could give any reply, she had gone some distance. अब इससे पहले कि मैं उसको कोई और जवाब दे पाता उस बारे में, तो वो थोड़ी दूर कुछ दूर जा चुकी थी कि मैं आंसर नहीं दे पाया। फिर कहता आगे द नेक्स्ट डे आई मैनेज टू रिमेन बिहाइंड अगेन। कहता है कि अगले दिन फिर से मैं जानबूझकर पीछे रह जाने का बहाना बनाया। एज आई क्रॉस्ड हर पाथ आई सेड, जो ही मैं रास्ता पार करते हुए गया तो क्या रहीम बीबी व्हाट वुड यू लाइक टू हैव एज अ मसानी। कहता है कि मैंने रहीम बीबी से कहा कि आप मसानी के रूप में क्या लेना चाहेंगी। आई शैल गेट इट फॉर यू फ्रॉम मदर। कहता है कि मैं माँ से लेकर आपको वो दे दूंगा, आप बोलो आपको मसानी के तौर पे क्या चाहिए। लेकिन रहीम बीबी ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, कहता है रहीम बीबी ने जवाब दिया नो नहीं नहीं, ठीक है नॉट फ्रॉम चाची से नहीं, आई शैल शो यू माई फेस ओनली वेन यू गिव मसानी आउट ऑफ योर ओन अर्निंग्स। कहता है मैं आपको अपना चेहरा सिर्फ तब ही दिखाऊंगी अगर आप मुझे अपनी कमाई में से मसानी लाकर देंगे। ठीक है अनटिल देन आई विल नॉट लिफ्ट माई वेल, तब तक मैं अपना घूंघट नहीं उठाऊंगी। अब उसके बाद बता रहा है, कहता है उसने तो नहीं माना। रहीम बीबी स्टक टू व्हाट शी सेड। कहता है रहीम बीबी स्टक
stuck to what she said for years, far kept her veil. कहता रहीम बीबी इस बात पर क्या थी, स्ट्रक थी, मतलब बिल्कुल अटल थी, अटर रही, जो इसने कही थी कि मुझे आपके जेब से ही मसानी चाहिए. तो कई साल गुजर गए या कई सालों तक उसने अपने गूंगट को नहीं उठाया, वैसे ही डाल के रखा. कहता है इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 सालों में आई डिड माई 8th class एंड वेंट टू जम्मू फॉर फर्दर स्कूलिंग. कहता है कि नेक्स्ट 3 सालों में मैंने अपनी 8वीं जमात पास कर ली और आगे की पढ़ाई के लिए जम्मू चला गया. कहता है फ्राम जम्मू आई वेंट टू श्रीनगर एंड कुड नॉट गो टू द विलेज फॉर अनदर ईयर एंड अ हाफ. कहता है जम्मू से मैं श्रीनगर गया और मज़ीद 1.5 साल तक अपने गांव न जा सका. कहता आई वॉज नाउ 15, अब मैं 15 साल का हो गया था. एंड हैड फेल्ड इन 9th class और 9वीं जमात में मैं नाकाम हो गया था या फेल हो गया था. When I went home during the vacation, लेकिन जब छुट्टियों के दौरान मैं घर गया and met रहीम बीबी और रहीम बीबी से मिला, she asked, उसने पूछा, बहूजू in what class you are studying now? तो उसने पूछा कि आप किस जमात में पढ़ रहे हो. तो मैंने क्या कहा, in what class you studying now? अब मतलब इस बार जो है आप अब किस जमात में या क्लास में पढ़ रहे हो. तो अब इसने जवाब दिया, ऑथर ने क्या जवाब दिया ये देख लीजिएगा. 9th, उसने कहा मैं 9वीं जमात में पढ़ता हूँ. ठीक है, लास्ट ईयर यू वर इन द 9th. कहता है उसने बताया पिछले साल भी आप 9वीं में थे. कहता है आई फेल्ट एट लॉस ऑफ वर्ड्स एंड कुडेंट बियर टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हर एंड मूव अवे मम्बलिंग यस यस. कहता है मुझे कोई अल्फाज न सोच पाए, उसके सामने खड़ा न रह सका और ये बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया. हाँ हाँ, क्योंकि वो फेल हो गया तो अब उसको शर्म आ रही थी कि मैं उससे कैसे बताऊं कि मैं फेल हो गया था. तो उसने बताया सिर्फ वहाँ पे न रुका और चलते चलते उसने कहा हाँ हाँ मैं पिछले साल भी 9th में ही था. अब देखो यहाँ से आगे बता रहा है आई एज इल स्ट्रक. कहता है कि एज इल स्ट्रक वुड हैव इट आई फेल्ड इन द 9th अ सेकेंड टाइम एंड डिड नॉट गो होम फॉर अ होल ईयर. कहता है किस्मत की ऐसी मर्जी हुई कि मैं दूसरी बार भी 9वीं जमात में फेल हो गया और साल भर घर नहीं गया. कहता है आफ्टर 3 ईयर्स इन 9th आई गॉट प्रमोटेड टू द 10th. कहता है 9वीं में 3 साल गुजारने के बाद मुझे 10वीं क्लास में दाखिल कर दिया गया. अब कहता आगे वेंट होम प्रमोटेड टू द 10th एंड देन वेंट होम और फिर घर गया. कहता आई केम अक्रॉस रहीम बीबी अगेन. मैं दोबारा रहीम बीबी से मिला और उससे पूछा एंड शी आस्क्ड एंड उसने पूछा क्या यू मस्ट बी इन कॉलेज. अब आप ज़रूर कॉलेज में होंगे. लेकिन अब क्या उसको बेचारे को शर्म आ रही थी. नो भाभी, अब इसने बताया नहीं भाभी, आई एम इन द 10th नाउ. अब मैं इस बार किस क्लास में हूँ, 10th में ही हूँ. आई विल पास दिस टाइम, इस बार मैं पास हो जाऊँगा. एंड देन गेट ए जॉब, और फिर कोई नौकरी मिल जाएगी. आई शेल अरेंज फॉर योर मसानी फ्राम माई फर्स्ट पे. कहता है कि मैं अपनी पहली तनख्वाह से आपके लिए मसानी का इंतज़ाम कर लूँगा. अब यहाँ से आगे बता रहा है नो बाऊजी, प्लेस द फर्स्ट पे एट द फीट ऑफ चाची. कहता है नहीं, मुझे उसमें से तोहफा नहीं देना, अपनी पहली तनख्वाह तुम चाची के कदमों में रखना, यानी माँ के कदमों में रख देना. चाची हैज़ टू इनकॉर ए लॉट ऑफ एक्सपेंसेस टू मेक ऑफरिंग्स टू डैटीज, शी विल परचेज थिंग्स फॉर द पूजा, आई शैल वेट फॉर माई मसानी फॉर अनदर ईयर. कहता है चाची को देवी देवताओं की भेंट चढ़ाने में बहुत से पैसे खर्च हुए हैं, वो पूजा के लिए चीज़ें खरीद पाएगी, मैं अपनी मसानी मतलब कि किसी और साल में या दूसरे साल में ले लूँगी, मैं तब तक इंतज़ार करूँगी.
एक और साल का इंतज़ार करूंगी तब मैं मसानी लूंगी। अब यहां से आगे बता रहा है, कहता है कि रहीम बीबी आई डिड नॉट नाउ व्हाट इट वुड बी सो डिफ़िकल्ट टू सी द फेस ऑफ माय ओन भाभी। अब ये बता रहा है, कहता है रहीम बीबी मैं नहीं जानता था कि मुझे अपनी ही भाभी का चेहरा देखना इतना मुश्किल हो जाएगा। कहता है बहू जी द मोर यू वेट द स्ट्रॉन्ग विल द डिज़ायर ग्रो। कहता है बहू जी आप जितना इंतज़ार करेंगे आपकी ख्वाहिश इतनी ही ज़्यादा पुरजोर होती जाएगी। ऑन क्रॉसिंग ओवर टू द थ्रेशोल्ड ऑफ यूथ द डिज़ायर टू सी अ फेस डज नॉट गो। कहता है वन वुड गो ऑन गेजिंग। कहता है जवानी की दहलीज पार करने के बाद चेहरा देखने की ख्वाहिश ख़त्म नहीं होती है, आदमी चाहता है कि वो देखता ही रहे। गेजिंग होता है टिकटिकी बांध के देखना। अब देखो यहाँ से आगे बता रहा है, अप टू दिस टाइम आई हैड थॉट दैट सीइंग रहीम बीबीज फेस वॉज अ बिट ऑफ फन ए मेयर प्ले। कहता है कि उस वक़्त तक मैं यही सोचता रहा कि रहीम भाभी का चेहरा देखना एक तरह की मजाक वाली बात थी, मेयरली प्ले, सिर्फ एक खेल का तमाशा। बट नाउ दिस डिज़ायर टू सी हर फेस टुक ऑन अ डिफरेंट कलर। कहता लेकिन उसका चेहरा देखने की इस ख्वाहिश ने अब एक नया रंग इख्तियार कर लिया। आई वॉज डिटरमाइंड दैट आई वुड गेव हर मसानी ओट ऑफ माई ऑन अर्निंग। कहता मैंने अब इरादा कर लिया था कि मैं उससे अपनी ही कमाई में से मसानी दूंगा। फिर कहता है आफ्टर सम ईयर्स आई वॉज ऑल्सो मैरिड। कहता कुछ सालों के बाद मेरी शादी हो गई। बट रहीम बीबी डिड नॉट लिफ्ट हर वेल। लेकिन रहीम भाभी ने क्या किया था, रहीम भाभी ने अपना घूंघट नहीं उठाया। आई कुड नॉट गिव हर मसानी। मैं उससे मसानी नहीं न दे पाया। फिर कहता एंड एवरी नाउ देन व्हेन आई मेट हर शी रिपीटेड बहूजी आई एम नॉट गोइंग टू लिफ्ट द वेल विद आउट हैविंग मसानी। कहता है कि जब भी कभी वो उससे मिलता तो हर बार वो दोहरा देती, बहू जी मसानी लिए बिना मैं घूंघट उठाने नहीं जा रही हूँ। अब पहले तो वो बता रहा था लेकिन अब जो है वो उससे वहीं से बता रही थी। अब इसके बाद कहता है वन डे माई वाइफ सेड। एक दिन मेरी बीवी ने कहा, क्या कहा, वाई डज दिस रहीम टॉक टू यू विद सच अ लॉन्ग वेल ओवर हर फेस। कहता है ये रहीमू जो है आपके साथ इतना लंबा घूंघट ओढ़े बात क्यों करती है। कहता है रहीम बीबी विल लिफ्ट द वेल ओनली आफ्टर शी गेट्स मसानी फ्राम मी। और उसने उससे कहा कि रहीम भाभी मुझसे मसानी लेने के बाद ही अपना घूंघट हटाएगी। एज फॉर टॉकिंग शी टॉक्स टू मी इन द सेम वे एज सरयू भाभी डज। कहता है कि जहाँ तक बातें करने का सवाल है वो मेरे साथ वैसे ही बातें करती है जैसे कि सरयू भाभी करती है। सरयू भाभी इज़ आवर ओन भाभी बट रहीमू इज़ मुस्लिम। लेकिन उसने उसकी बीवी ने कहा सरयू भाभी आपकी अपनी भाभी है लेकिन रहीमू मुसलमान है। वाट इज़ योर रिलेशनशिप विद हर, आपका इससे क्या रिश्ता है। अब देखो यहाँ से आगे बता रहा है माई डियर, मेरी प्यारी, रिलेशंस एमंग ब्रदर्स रिमेम्बरिंग गॉड बाई डिफरेंट नेम्स डू नॉट सेपरेट देम। इलम दीन इज़ लाइक माई रियल एल्डर ब्रदर। मेरी प्यारी खुदा को अलग अलग नामों से याद करने से भाइयों के बीच के रिश्ते अलग नहीं हो जाते। इलम दीन मेरे बड़े सके भाई जैसे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं क्या, यू मे से बट पीपल डोंट। कहता है आप ऐसा कह सकते हैं लेकिन लोग ऐसा नहीं कहते। अब देखो यहाँ से आगे बता रहा है, कहता है कि वेल आई डू नॉट फॉलो व्हाट अदर्स से, आई विश दैट अदर्स वुड फॉलो दैट आई से। ठीक है मैं वो नहीं मानता जो लोग कहते हैं, मैं चाहता हूँ जो दूसरे मानते जैसा मैं कहता हूँ।
दूसरे मानते कि जैसा मैं कहता हूँ। कहता है द होल वर्ल्ड फॉलोज व्हाट पीपल्स फॉलो, पूरी दुनिया वैसा ही करती जैसा आम लोग करते हैं। कहता है बट आई हैव यू नेवर थॉट हु पीपल फॉलो, कहता है लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग क्या करते हैं। तो शी कुड नॉट रिप्लाई डू दिस, लेकिन वो इसका जवाब नहीं दे पाई। उसके बाद कहता है कि द मंथ ऑफ रमदान केम, कहता है कि अब क्या आ गया रोजों वाला महीना, यानी रमजान का महीना जो है आ गया था। मुस्लिम स्टार्टेड दियर फास्ट, मुसलमानों ने अपने रोजे रखना शुरू कर दिए थे। आई आज रहीम बीबी, कहता है मैंने रहीम बीबी से पूछा, क्या डू नॉट कीप फास्ट, क्या आप रोजे नहीं रखती हैं। आई कैन नॉट फास्ट फॉर मैनी डेज, आई फास्ट जस्ट फॉर वन डे, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अब उसने कहा मैं ज़्यादा दिनों तक रोज़े नहीं रख सकती, मैं सिर्फ एक दिन रोज़ा रखती हूँ, मैं तंदुरुस्त महसूस नहीं कर रही हूँ, यानी मैं ठीक नहीं हूँ, इसलिए मैं रोज़े नहीं रख पा रही हूँ। उसके बाद बता रहा है, कहता है ऑन विच डे विल यू फास्ट, अब इसने बताया कि ऑन विच आप किस दिन रोज़ा रखेंगी। कहता है ऑन द डे दैट आई डू नॉट कम टू फैच वाटर यू कैन टेक इट दैट आई एम फास्टिंग, कहता है जिस दिन मैं पानी लेने नहीं आऊँगी तो आप समझ सकते हैं कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है। आई शैल ब्रिंग स्वीट्स फॉर यू ऑन दैट डे टू ब्रेक दिस फास्ट विद, कहता है उस दिन मैं आपके लिए मिठाई लेकर आऊँगा जिससे आप रोज़ा खोल सकेंगी। अब ये ऑथर बोल रहा है उससे, लेकिन इसने क्या कहा, नो इट इज़ नॉट द प्रॉपर फॉर यू टू ब्रिंग स्वीट फॉर मी, स्वीट्स विल बी ब्रॉट बाई हिम हु इज सपोज्ड टू ब्रिंग देम। कहता है नहीं, आपके लिए मुझे मिठाइयाँ लाकर देना वाजिब नहीं है, ठीक है, मिठाइयाँ वही लेकर आएगा जिसका लाना फर्ज बनता है, यानी मेरा हस्बैंड ही लाएगा वो मिठाई, आपका फर्ज नहीं है, आप पे वाजिब नहीं है, तो आप मिठाई नहीं लाना। कहता है देन व्हाट शुड आई ब्रिंग दैट विल बी प्रॉपर, कहता है तुम्हारे लिए क्या लाऊं जो वाजिब होगा। तो यू फॉर यू द ओनली प्रॉपर थिंग इज़ दैट मसानी, उसने कहा तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही चीज़ वाजिब है, वो है मसानी। When I get it, I will see the ID moon, ठीक है। अब उसने कहा कि ईद मून, यहाँ पे बता रहा है आई विल सी द ईद मून, अब इसने बताया जब मुझे ये मिल जाएगी, यानी आपसे मसानी मिलेगी, तो मैं समझूंगी कि ईद का चांद देखूंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे बता रहा है After some six months, Rahim Bibi started having fever, which turned into typhoid and then into pneumonia. कहता है तकरीबन 6 महीने बाद रहीम बीबी को बुखार आने लगा, started having fever, और फिर वो बुखार जो है typhoid में तब्दील हो गया और फिर pneumonia में बदल गया, ठीक है। More complications followed, और इसके बाद और भी पेचीदगियाँ पैदा हो गई, और भी मुश्किलातें पैदा हुई। द हाकिम गिव अप होप, कहता है कि जो हकीम था उसने उम्मीद छोड़ दी, डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी उसके बचने की। ए डॉक्टर वाज कॉल्ड बट ही आल्सो हेल्ड आउट नो होप, कहता है एक डॉक्टर को भी बुलाया गया लेकिन उसने भी कोई उम्मीद न बांधी, यानी कि उसको भी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो बच जाएगी। अब देखो यहाँ से आगे कहता है वन मॉर्निंग शम्सु केम रनिंग टू आवर हाउस एंड सेड टू मी सिंस लास्ट नाइट माय आंट हैज़ नॉट बीन सिंकिंग एंड टेलिंग एवरीबॉडी अराउंड गो टू गो एंड कॉल बहुजी,
कहता है, एक सुबह शम्सू जो है भागता हुआ हमारे घर आया। उसने कहा, पिछली रात से मेरी खाला की हालत बिगड़ती जा रही है और आसपास सभी से कह रही है कि बहू जी को बुलाकर लाओगी। तो बहू जी कौन था? वो आथर था उसका बहू जी। तो कहता है कि उसको बुलाकर लाओ, ये कल शाम से वो बत पुकारती है। फिर कह रही है, कहता है कि When I said I would go, she said, tell Bahuji that I am going and that he should come to show me his face for the last time. कहता है, जब मैंने उससे कहा कि मैं चला जाता हूँ बहूजी को बुलाने, तो उसने कहा, बहूजी से जाकर कहो कि मैं अब जा रही हूँ और ये कि वो मेरे पास आए और आखिरी वक्त पर मुझे अपना चेहरा दिखा जाए, यानी कि अब मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अब उसके बाद बता रहा है कि I understood the situation and set out immediately with Shamsu। कहता है कि मैं सूरत हाल को समझ गया था और फौरन शम्सू के साथ चल पड़ा, निकल पड़ा। रहीम बीबी वॉज लाइंग स्ट्रेट ऑन हर बैक एट ऑन द कॉट। कहता है, रहीम बीबी चारपाई के ऊपर अपनी पीठ के बल सीधी पड़ी हुई थी। एंड हर फेस वॉज अनकवर्ड, और उसका चेहरा बिना ढके हुए था। ए फेयर फेस ऑन द फेयर फ्रेल फ्रेम, ब्लैक आईज एंड पर्पल स्पॉट सेपरेट ऑन द चिक्स विच रिमाइंडेड मी ऑफ अ ग्रीक स्टैट्यू। कहता है, अब जब उसने उसका चेहरा देखा तो कहता है, एक गोरे कमज़ोर बदन के ऊपर एक गोरा चेहरा और गालों पर बैंगनी दबे, जिन्होंने मुझे एक यूनानी मूर्ति की याद दिला दी। उसके बाद कहता है, स्लोली शी टर्न्ड हर गेज टुवर्ड्स मी। कहता, आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी नज़र मेरी तरफ घुमाई। अब कहता है, एंड सेड इन अ वेरी लो वॉइस, और बहुत ही धीमी आवाज़ से कहा। क्या कहा? बहूजी, ठीक है, आई हैव रिमूव्ड माई वेल टूडे टू गेट मसहानी। कहता है कि आज मैंने मसहानी लेने के लिए अपना घूंघट जो है वो हटा दिया। यू मे सी माई फेस नाउ, अब तुम मेरा चेहरा देख सकते हो। माई लाइफ वॉज स्टक इन माई आईज। कहता है कि मेरी जान सिर्फ आपका चेहरा देखने के लिए आंखों में अटकी हुई थी। सुमाई साई जस्ट टू सी योर फेस, मतलब आपका चेहरा देखने के लिए मेरी जान जो है वो मेरी आंखों में अटकी हुई थी। यू मस्ट कम अलोंग अप टू द ग्रेव यार्ड। कहता है, आपको कब्रिस्तान तक आना होगा। एंड प्लेस हैंडफुल ऑफ सॉइल ऑन माई फेस ऑन एज योर मसानी, और मसानी के तौर पर तुम्हें क्या करना होगा, मुट्ठी भर मिट्टी मेरे चेहरे पर रखनी होगी। अदरवाइज आई विल कैरी माई क्रॉविंग फॉर योर मसानी विद मी टू माई ग्रेव। कहता है, नहीं तो आपकी मसानी हासिल करने की अपनी ख्वाहिश को मैं अपने साथ कब्र तक लेकर जाऊंगी, यानी मुझे वो ख्वाहिश वैसी रहेगी, इसलिए आप आना और मेरे चेहरे पर मुट्ठी भर मिट्टी डालना। किसके तौर पे? एक मसहानी के तौर पे। तो ये लिखने वाले जो थे इस लेसन के वो कौन थे? पीबी सेठी, यहाँ पे लिखा हुआ है बीपी सेठी है। तो ये था आज आपका लेसन। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।